सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाइम मांगा। तो गाइस, बुक ऑफ एस्पर यानी कि डीमन एम्पायर के एक और बिल्कुल नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाला है एपिसोड नंबर 315। तो अब बिना किसी बड़े रिकैप के शुरू करते हैं हमारा ये वाला एपिसोड। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में फिर से ज़ू फेंग और गु सेंगटोंग की वही पुरानी फाइट को थोड़ा सा दिखाते हैं, जहाँ पे कि गु सेंगटोंग ज़ू फेंग के अटैक से बचने के बाद उसे एक अपना पावरफुल सीरियस पंच मारता है, जिससे कि ज़ू फेंग बच नहीं पाता और सीधा जमीन में जाकर के फिट हो जाता है। तो अब गु सेंगटोंग के इस पंच के बाद जब ज़ू फेंग सीधा जमीन में जाकर के धमाका करता है, तो गु सेंगटोंग फिर से धमाके के हट जाने के बाद उसके ऊपर आसमान में खड़ा होता है और फिर से ज़ू फेंग के ऊपर तेजी से अटैक करने के लिए आते हुए ज़ू फेंग से हंस करके कहता है कि अब मैं फिर से आ रहा हूँ, तो अब तुम मेरे इस अटैक को भी संभालने के लिए तैयार हो जाओ। तो दूसरी ओर ज़ू फेंग भी गु सेंगटोंग को फिर से अपनी ओर आता हुआ देख करके गुस्से में अपने मन में कहता है कि क्या ये फिर से आ रहा है। इतना कहकर के ज़ू फेंग अपनी ऑफ द वॉइड की पावर को एक्टिवेट करता है, जबकि दूसरी ओर गु सेंगटोंग का अटैक आकर के ज़ू फेंग के ऊपर लग गया होता है, जिस वजह से वहाँ पे एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों ओर धुआं धुआं सा फैल जाता है और हम लोगों को गु सेंगटोंग को दिखाया जाता है, क्योंकि ज़ू फेंग को ही देख रहा होता है, क्योंकि उसका अटैक ज़ू फेंग की नहीं बल्कि नीचे जमीन में जाकर के लगता है, जिसे देख गु सेंगटोंग भी थोड़ा हैरान होते हुए कहता है कि आखिर डेड कहाँ गए। तभी यहाँ पे हम लोगों को दूसरी ओर ज़ू फेंग को भी दिखाया जाता है, जो कि अपने आईज ऑफ द वॉइड की पावर का यूज करते हुए मिस जिया युनहाई और स्वयं के पीछे अपेयर होता है। और ज़ू फेंग स्वेंगर के पीछे अपेयर होते ही सबसे पहले बड़े ही रोमांटिक तरीके से स्वेंगर को अपनी गोद में उठा लेता है। इसे देख स्वेंगर काफी ज्यादा हैरान और शर्मा रही होती है, लेकिन उसी पल ज़ू फेंग स्वेंगर को लेकर के ऊपर आसमान में उड़ जाता है और पीछे खड़े उन सभी लोगों से कहता जाता है कि मैं एलिस लिटिल मॉन्स्टर के साथ अपनी इस फाइट को अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए अभी के लिए तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहकर के ज़ू फेंग वहाँ से जाने लगता है। तो ये देख गु सेंगटोंग भी काफी खुश होता है और अपने मन में कहता है कि ओ, ये तो डैड का सिग्नल है पीछे हटने का। तो इधर गु सेंगटोंग ये सब कह रहा होता है, जबकि दूसरी ओर काफी ज्यादा गुस्से में अपने सैनिकों से ज़ू फेंग को रोकने के लिए कहता है। तो एम्परर के इतना ऑर्डर करते ही अचानक से ज़ू फेंग और स्वेंगर को चारों ओर से एम्परर के सभी पावरफुल सैनिक घेर लेते हैं, लेकिन ज़ू फेंग फिर से अपनी आईज ऑफ द वॉइड की पावर का यूज करते हुए उन लोगों को वहीं पे छोड़ करके दूसरी जगह पर अपेयर हो जाता है, जिसे देख वो सैनिक काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि अब आखिर वो लड़का कहां गया। तो अब इधर ज़ू फेंग जब दूसरी ओर अपेयर होता है, वो जल्दी से क्राउन प्रिंस के वो दिए गए 7th ग्रेड के बटरफ्लाई स्पिरिचुअल बीस्ट के विंग्स सी फैंटम विंग्स को निकालता है, जिसे देख क्राउन प्रिंस भी काफी ज्यादा गुस्सा और हैरान भी होता है। कहता है कि नहीं, ये तो सी फैंटम विंग्स हैं, जल्दी से उसे पकड़ो वरना वो वहाँ से बड़ी तेजी से गायब हो जाएगा और तुम लोग उसको पकड़ने का मौका खो दोगे। तो इधर वो सैनिक भी क्राउन प्रिंस की बात सुनकर के जल्दी से पीछे की ओर मुड़ते हैं और ज़ू फेंग को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। ज़ू फेंग के विंग्स क्योंकि एक 7th ग्रेड के स्पिरिचुअल बीस्ट के विंग्स होते हैं, ऐसे ज़ू फेंग बड़ी तेजी से वहाँ से जाते हुए सभी सोल्जर्स को अपने फैंटम विंग्स के पॉइजन से बेहोश करते हुए आगे की ओर भाग जाता है। जबकि ये देख गु सेंगटोंग भी अपना नाटक करते हुए कहता है, तुम यूजलेस सोल्जर्स, तुम किसी काम के नहीं हो और ऐसा करके तुम लोग मेरे लिए मेरे 6th ग्रेड के इंग्रेडिएंट्स को बेकार कर रहे हो और अब तो मुझे मेरे 6th ग्रेड के इंग्रेडिएंट्स दूर जाते हुए दिख रहे हैं। इतना कहकर के गु सेंगटोंग भी एक स्टैंस लेता है और ऊपर आसमान में ज़ू फेंग का पीछा करने के लिए उड़ जाता है और साथ ही कहता जाता है कि जब एक बार मैं इसे पकड़ लूंगा तो मैं अपने गुस्से को डेफिनेटली तुम लोगों के ऊपर जरूर उतारूंगा। इतना कहते ही गु सेंगटोंग भी ज़ू फेंग के बिल्कुल प्लान के हिसाब से ही ज़ू फेंग का पीछा करने के लिए चला जाता है। इसे देख एम्परर को भी ज़ू फेंग और गु सेंगटोंग के ऊपर बिल्कुल भी कोई शक नहीं होता और वो सिर्फ एक पल के लिए उन दोनों लोगों को जाते हुए देखता रह जाता है। इसके बाद वो गुस्से में पीछे की ओर मुड़ करके देखता है और अपने सोल्जर्स से बाकी के बचे ल्यू क्लैन के मेंबर्स को पकड़ने के लिए कहता है और अपनी इस बात का क्लियरेंस करते हुए एम्परर उन सभी लोगों के सामने कहता है, ल्यू क्लैन अपनी प्रॉस्पेरिटी और कंपाउंड के कैरेक्टर को बनाए रखने में पूरी तरीके से फेल हो गया है, इसलिए उनके कमीने बटलर स्टीवर्ट ज़ू फेंग की वजह से इन लोगों को भी अब उतना ही दोषी माना जाता है। तो अब इधर एम्परर के इतने ऑर्डर्स को सुनते ही वहाँ पे जल्दी से कई सारे सोल्जर्स आते हैं और ल्यू क्लैन के सभी मेंबर्स को घेर लेते हैं, लेकिन तभी उसी वक्त अचानक से ऊपर आसमान काले बादलों से घिरने लगता है और उन बादलों के अंदर से अजीब सी हंसी की आवाज भी आने लगती है। इसे देख करके नीचे खड़े सभी सोल्जर्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन उसी वक्त वो काले बादल एक एक कर सभी सोल्जर्स को ऊपर आसमान में उठाने लगते हैं। देख करके वो सोल्जर्स भी और भी ज्यादा घबराते हुए कहते हैं कि व्हाट द हेल, आखिर अब ये क्या है, प्लीज हमारी कोई मदद करो। दूसरी ओर एम्परर भी ये सब देख काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन तभी उन काले बादलों के अंदर से निकलते हैं हमारी ल्यू क्लैन के वो चारों छोटे डीमंस और फिर वो लोग वहाँ पे अपेयर होने के बाद बड़े ही एटीट्यूड में सभी लोगों के सामने कहते हैं, अभी फिलहाल ब्लू क्लैन के पास उनका स्टीवर्ट ज़ू फेंग नहीं है, लेकिन हम चारों हेरोटिक डीमन क्वार्टर अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे स्टीवर्ट ज़ू की जगह ले रहे हैं।
तो अविदर तभी उन लोगों का बॉस भी उन लोगों से कहता है, तुम लोगों को इन कुत्तों से भिड़ने से पहले अपने बॉस की बात पहले माननी चाहिए और इन लोगों को काटना नहीं चाहिए। तो अविदर उन डीमंस के बॉस की ये बात सुनकर गए। जुनाही भी अपना एक अजीब सा मुंह बना करके अपने मन में कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि ये चीज बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट है उसको अपने इस वर्ड का यूज करना कि उन लोगों को अपने बॉस से पूछना चाहिए इन लोगों से भिड़ने से पहले, ये चीज बिल्कुल ही बकवास है। तो अविदर युनाही ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे एंट्री लेता है एम्परर का फोर्थ प्लेट शैडो किंग की उन चारों डीमंस से कहता है कि एम्परर के चरणों के नीचे आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की और आकर के इतना ज्यादा आपत्तिजनक बुरा व्यवहार करने की। इतना कहते ही शैडो किंग जल्दी से अपनी उन चैंसों को बाहर निकलता है और उन चारों डीमंस के ऊपर अटैक करता है जो कि सीधा उन चारों डीमंस के ऊपर जाकर के लगता है और वो चारों डीमंस ही उससे हिट होने के बाद पीछे की ओर जाकर के गिर जाते हैं। तो अब शैडो किंग के उस अटैक को खाने के बाद डीमंस का बॉस खड़ा होता है और शैडो किंग को देखते हुए कहता है कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, हम लोग तो पहले ही पूरी तरीके से कम्प्लीटली परहैप्स हैं, तो फिर आखिर कैसे हम लोग तुम्हारे इस अटैक से हिट हो सकते हैं। तो शैडो किंग भी हंसते हुए कहता है कि तुम चारों मूर्ख, तुम लोग भले ही एम्पायर के 3 गार्डियन सेक्टों में रह चुके हो लेकिन ये चीज तुम लोगों को वो करने का अधिकार नहीं देती है जो भी चीज तुम करना चाहते हो। तो इधर दूसरी ओर फोर्थ ब्लड शैडो किंग को देख करके प्राइम मिनिस्टर जुजी चेंगफेंग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो हेल से फोर्थ ब्लड शैडो गार्ड कैप्टन शैडो किंग है। इधर मास्टर होंगफू भी शैडो किंग को देख गुस्से में कहते हैं कि ओ ये शैडो किंग है, ये पहली बार है जब मैं इसे देख रहा हूँ और मैंने ये पहले कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये फोर्थ ब्लड शैडो किंग की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा टेरिफाइंग होगी। इधर दूसरी ओर लू फेंग भी शैडो किंग की इस स्ट्रेंथ को देख अपने मन में कहता है टियानियू लगातार बार बार एक के बाद एक सुपर एक्सपर्ट को पॉपअप देते हुए सामने लाता जा रहा है। एक टेरिफाइंग एक्सपर्ट जाता जा रहा है तो उसके पीछे पीछे दूसरा टेरिफाइंग एक्सपर्ट भी आता जा रहा है लेकिन ये वो चीज नहीं है जो कि हम देखना चाहते हैं। अब इधर लू फेंग के इतना सोचने के बाद हम लोगों को फिर से उन चारों डीमंस की ओर दिखाया जाता है और उन डीमंस में से एक डीमन अपने बड़े भाई से कहता है कि बड़े भाई मैं इस आदमी की इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसलिए चलो हम लोग इसके ऊपर फिर से एक बार अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो उन लोगों का बड़ा भाई भी कहता है कि हाँ चलो करते हैं। इतना कहते ही वो चारों डीमंस फिर से शैडो किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उन डीमंस का बड़ा भाई कहता है कि अगर हम लोगों ने इस बास्टर्ड के टुकड़े करके इसको नहीं मार डाला तो हम लोग फोर स्कैमिंग डीमंस कहलाने के लायक नहीं। इतना कहकर के वो चारों डीमंस शैडो किंग के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं। शैडो किंग भी हंसते हुए कहता है कि तुम लोग सच में काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो। इतना कहते ही शैडो किंग जल्दी से अपने पास से कई सारी सोल चैनों को बाहर निकालता है और उन पावरफुल चैनों से एक ही बार में उन सभी चारों डीमंस के ऊपर अटैक करता है जिससे हिट होने के बाद वो चारों डीमंस और भी ज्यादा घायल हो जाते हैं। तभी वो डीमंस काफी ज्यादा घबराते हुए अपने बड़े भाई से भी कहते हैं कि बड़े भाई हम लोग इसको हरा नहीं सकते इसलिए हम लोगों को जल्दी से यहाँ से भागना चाहिए। तो उनका बड़ा भाई भी कहता है कि हाँ बिल्कुल ये आदमी सच में काफी ज्यादा खतरनाक है और हम लोग इसका सामना नहीं कर सकते इसीलिए हम लोग यहाँ से चलते हैं। इतना कहकर के वो चारों डीमंस वहाँ से भागते हुए युनाही से कहते जाते हैं कि यंग मास्टर ल्यू आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम लोग स्टीवर्ड जू को ढूंढने के लिए जा रहे हैं ताकि वो यहाँ पे आकर के आपको इन लोगों से बचा सके। तो उन लोगों को भागते हुए देख फोर्थ प्लेयर शैडो किंग भी उनसे कहता है कि रुको चारों स्कैमिंग डीमंस, क्या तुम लोग मुझे अब मार करके मेरे छोटे छोटे पीस नहीं करने वाले या फिर क्या तुम लोग ऐसे ही मुझसे डर गए। तो ये सुन उन डीमंस का बड़ा भाई कहता है कि हम लोग ल्यू क्लैन के एल्डर्स हैं और अब हमारा डीमन स्कैमिंग सेक्ट से कोई लेना देना नहीं है इसलिए फिलहाल तो हम लोग तुम्हें इस बार के लिए छोड़ रहे हैं, बट अगली बार जब तुम हम लोगों से मिलोगे तो तुम उसी पल पीसेस में कटे हुए होगे। इतना कहकर के वो उन चारों डीमंस का लीडर एक बार फिर से घूर करके शैडो किंग की ओर देखता है और फिर वो वापस से नीचे जमीन पर लैंडिंग करता है और शैडो किंग का मजाक उड़ाते हुए नीचे पड़े पत्थर से उसके ऊपर अटैक करता है और शैडो किंग से कहता जाता है कि गुड बाय सड़े हुए स्पैड। इतना कहकर के वो रेड डीमन वहां से तेजी से चला जाता है। तभी ये देख करके शैडो किंग को भी एहसास होता है ये करके उन चारों डीमंस ने शैडो किंग की काफी ज्यादा बेइज्जती कर दी है। तो फोर्थ प्लेयर शैडो किंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन चारों डीमंस को गालियां देने लगता है और इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। लेकिन रुको रुको वीडियो को छोड़ने से पहले मेरी बात को सुनते जाओ। गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा एक व्लॉग चैनल है जिसके ऊपर फिलहाल तो मैंने एक भी वीडियो नहीं डाली है, पर मैं जल्द ही व्लॉग चैनल के ऊपर वीडियोस डालना स्टार्ट करने वाला हूँ। इसलिए वीडियोस डालने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं इस चैनल के ऊपर अपना फेस रिवील करूँ, हालांकि वो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि यार इतने ज्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं, बट क्या कर सकते हैं व्लॉग भी तो चालू करना है। इसलिए आप लोग फेस रिवील वीडियो के साथ साथ मुझसे अपने एक आध Q&A क्वेश्चंस को भी पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को उनके बिल्कुल पूरी तरीके से जवाब।
देने का। तो इसीलिए आप लोग कमेंट में Q&A के क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। और हाँ, मैंने व्लॉग चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप लोग वहाँ पे जाकर के उस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। तो फिलहाल गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं कल इसकी नेक्स्ट 2 एपिसोड्स में।